सभी का फिर से एक बार वेलकम है। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में सिलॉक्स में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। पहले वीडियो में सिलॉक्स में यूज होने वाले डिफरेंट वर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट में कंक्लूजन में उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं ये देखा था। फिर एक डाउट सेक्शन था कि क्या नो और ऑल नॉट में डिफरेंस होता है। तो सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नो और ऑल नॉट में डिफरेंस होता है। ऑल नॉट को सम नॉट ट्रीट करते हैं और ऑल नॉट अगर कंक्लूजन्स में आ रहे हैं तो उसे ऑल से डिसअप्रूव करते हैं। आज एक तीसरा सेक्शन हम उठाने वाले हैं सिलॉग्स में परसेंटाइल का। सिलॉग में स्टेटमेंट और कंक्लूजन में इस समय परसेंटाइल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें अलग अलग न्यूमेरिक फिगर दी जाती है। अब इसमें सबसे पहले तीन बेस की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला 0%। अब अगर स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में कहीं भी 0% लिखा हुआ है तो 0% का मतलब हम नो से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा हुआ है 0% ए आर बी, तो हम कहते हैं कि कोई ए बी नहीं। सेकंड सेक्शन इसका आता है अगर लिखा हुआ है 100% ए आर बी, तो 100% का मतलब हम लेते हैं ऑल से, हम बनाएंगे ऑल ए आर बी। एक तीसरा सेक्शन आता है लेस देन 100। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 20% ए बी है या 30% ए बी है या 64% ए बी है। अब चूंकि 100% नहीं है, 100 से कम है, 100 तो ऑल होता है, तो 100 से कम की कोई भी फिगर का डायग्राम हम क्रिएट करते हैं सम पे। अब ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट बनाने में हम अनुमान का इस्तेमाल करते हैं जब हम सम को क्रिएट करते हैं, लेकिन जब यही परसेंटाइल 100 से कम होकर कंक्लूजन्स में आते हैं, निष्कर्ष में, तो वहां पर हमें कई बातों का ध्यान रखना होता है क्योंकि मिस्टेक वहीं पर होती है। सबसे पहले परसेंटाइल में हम आपको बताने जा रहे हैं स्टेटमेंट में किसी एक कॉमन कैरेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे मान लीजिए हम यहां पे तीन सेक्शन बना रहे हैं, यहां पर तीन सेक्शन में देखिए यहां पर ये दिया हुआ है, हम यहां पर एक स्टेटमेंट ले रहे हैं, यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको आप हेडिंग में कह सकते हो केसेस ऑफ परसेंटाइल और उसके नीचे दे सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कॉमन, स्टेटमेंट बेस्ड ऑन कॉमन। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझना। जैसे मान लीजिए कि पहला स्टेटमेंट यहां पर है 20% ए आर बी, फिर दूसरा लिखा हुआ है 54% ए आर सी। सबसे खास बात दोनों में वो ए के डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं, ए का इतने परसेंट बी, ए का इतने परसेंट सी। एक और क्वेश्चन आ रहा है आपको 31%, ये सब स्टेटमेंट है, ये सब स्टेटमेंट है 31%, ये आपका परसेंटेज थोड़ा साफ कर दिया जाए ताकि कंफ्यूजन ए आर बी 79% ए आर सी। एक और लेते हैं यहां पर 26% ए आर बी 74% ए आर सी। अब तीनों में एक बड़ा डिफरेंस है,
तीनों ही स्टेटमेंट है और तीनों ही स्टेटमेंट में एक एक कैरेक्टर को दो सेक्शन में डीओसी में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। बढ़िया और तब हो जाएगा जब तीनों में एक एक कंक्लूजन लिया जाएगा, सम बीआरसी कंक्लूजन्स, सम बीआरसी और एक और कंक्लूजन यहां पे आ रहा है सम बीआरसी। सबसे पहला पॉइंट यह है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100। अब जब आप डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं तो डायग्राम को ट्रू मानते हैं और डायग्राम को ट्रू मानते हैं तो आप ए को बांटना स्टार्ट करेंगे। अब आप बांटने में ए का 20% तो ए को 100 मानेंगे, ये आपका ए है, ए आ गया और ये कह रहे हैं अब ए क्या है, ए 100 है, आपने 100 माना है, परसेंटेज लगा हुआ है। ए का 20% बी, ए का 20% बी है तो अब नापने का कोई पैमाना नहीं होता है ना कोई यहां पे स्टिमेट है, आप हर काम एक अंदाज से करेंगे। ए का 20% बी है, आपने कुछ ऐसे ये बना दिया बी और ये ए का कितने परसेंट है 20, यहां पे आ गया 20। अब सोचने वाली चीज केवल इतनी सी है कि ए को 100 माना था और ए का 20% दे दिया बी को, अब वो कह रहे हैं कि 54% एआरसी, ये चीज ध्यान रखिएगा बी और सी के अटैचमेंट की कहीं कोई बात नहीं हो रही है, केवल इतना कहा गया है। अगर हम लीस्ट टचिंग को फॉलो करें तो कहा गया है कि ए का 54% है सी, जबकि ए का बी निकल चुका है 80 रह गया। अब ए का 80 में 54 अगर हम सी को दे दें, अब यहां पर दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करती है कि सर ये सी को यहां मिला के बना सकते थे, कर सकते थे लेकिन नहीं किया क्योंकि उसने नहीं कहा। स्टेटमेंट में एक रूल होता है, क्लासेस आप अगर देखेंगे पढ़ेंगे ज्वाइन करेंगे तो उसमें लीस्ट टचिंग का एक पूरा रूल होता है। लीस्ट टचिंग को अगर ध्यान रखा जाए डायग्राम बनाने में तो हम पहली बार में इस सी को बी से टच नहीं कराएंगे, ए का 20% बी को देने के बाद 80 रह जाएगा और उस 80 में 54% हम ए का सी को दे देंगे और जब हम 54% ए वाला सी को देंगे तो वो सी और बी आपस में टच नहीं करेगा। हालांकि हम सी को चाहे तो बी से और ए से कॉमन करके बना सकते हैं बट हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि तो हम लीस्ट टचिंग डायग्राम के रूल से बने हुए। अब जब हम डायग्राम कुछ ऐसा बनाएंगे तो इसमें ये क्लियर हो रहा है कि सी और बी आपस में टच नहीं कर रहा है और सी और बी आपस में टच नहीं कर रहा है तो इस कंक्लूजन को हम यहां पे क्रॉस कर देंगे। लिखा हुआ है सम बी आर सी, हम ये कहेंगे हमारे में कोई भी सी नहीं। अब ये चीज और अच्छे से डिफाइन कब होगी जब आप इसके आगे के दो सेक्शन में चलेंगे। देखिए अगला सेक्शन क्या कह रहा हूं, आपसे कह रहे हैं 31% एआरबी, फिर वही डायग्राम बनाने का तरीका, आपने ए को 100 माना और ए का 31% दे दिया बी को कुछ ऐसे, ये ए है और ए का 31% बी, फिर वही सोचने वाली चीज ए का 31 निकल गया 69 रह गया। अब ए का 69 रह गया है लेकिन स्टेटमेंट में कुछ जो कह रहा है वो समझने वाला है कि 79% एआरसी, ए का 69 रह गया था लेकिन आपको देना है 79, अब होगा क्या, तो यहां पे समझ में आ रहा होगा कि ए का जब 69 बचा है और ए को 79% सी में देना है तो जाहिर सी बात है कि बी और सी आपस में ओवरलैप कर जाएगा। भाई एक हिस्से को
एक कंटेंट को दो जगह बांटना है, थोड़ा इधर देना है और ज्यादा यहां पे देना है, तो जितना रह गया उससे भी ज्यादा देना है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे तरीके से आप बना देंगे कि ये सी और बी आपस में टच करेगा। और अच्छे से अगर इस डायग्राम को बनाएगा तो कुछ देखिए ऐसे आएगा, ताकि बिल्कुल दिखे आपको, समझ में आए कि हाँ हो क्या रहा है। तो ये आपका ए, ये आपका ए, और जब ऐसे आप बी को देंगे 31 और भी सी को देंगे तो ये आपस में टच करेगा। इसे ध्यान रखिएगा, ये हाथ से बनाने में डायग्राम हो रहा है, ये जो छोटा छोटा सेक्शन दिख रहा है ये होगा नहीं क्योंकि बढ़ रहा है पूरा पूरा। अब जब बी और सी को आपने डायग्राम में क्रिएट किया ए के साथ में, तो जाहिर सी बात है कि बी और सी आपस में ओवरलैप करेंगे, और जब ये ओवरलैप करेंगे तो ये वाला कंक्लूजन सम बी आर सी ये 100% सही हो जाएगा, क्योंकि ए का जितना भी हिस्सा है उससे जिस तरीके से बट रहा है वो ज्यादा ज्यादा दोनों सेक्शन में जा रहा है, तो वो ओवरलैप कर जाएगा। अब एक तीसरा सेक्शन जो सबसे बढ़िया है इन तीनों में, सबसे अच्छा ही है और ये समझने वाला है, 26% ए आर बी। फिर अंदाज से आपने बनाया ए और ए का 26 आपने दे दिया बी को, ए का 26 दे दिया तो रह कितना गया 74, और जितना रह गया पूरा आपने दे दिया सी को। जब आप पूरा आप सी को दोगे तो ये चीज ध्यान रखोगे कि ये ओवरलैप नहीं करेगा। फिर से एक बार देखिए, ए का 26% बी और ए का 74% सी, तो ए का जितना हिस्सा था वो दोनों बढ़ गए। बटने में खास बात ये है कि ये ओवरलैप नहीं करेगा, केवल टच करेगा, बी और सी केवल आपस में टच करेगा, पॉइंट भी ओवरलैप नहीं करेगा। और जब ओवरलैप नहीं करेगा तो ये जो कह रहे हैं सम बी आर सी ये गलत हो जाएगा। अब अंतर क्या है तीनों में, ए को जब आप यहां पे बांट रहे हो 100 मानकर, तो थोड़ा बी में चला गया थोड़ा सी में चला गया, तब भी ए के पास कुछ रह गया, और ए के पास जो रह गया है उसकी वजह से बी और सी आपस में ओवरलैप नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये कट जाएगा सम बी आर सी। सेकेंड वाले पार्ट में ए को 100 माना और ए को जब आप बी और सी में बांट रहे हो तो वो बांटना 100 के ऊपर निकल रहा है। ये एक बेसिक चीज है जो आप अगर बहुत अच्छे से देखेंगे तो समझ में भी आ जाएगा और आ भी रहा होगा कि ए का जो हिस्सा बट रहा है ए के पास 100 था, लेकिन जब आप दोनों में बांट रहे हो तो 100 के ऊपर निकल रहा, तो तभी पॉसिबल है जब वो दोनों ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे, और जब वो ओवरलैप करेंगे तो सम बी आर सी भी आ जाएगा। एक तीसरा पार्ट है, जब आप ए के 100 को मानकर आपस में बांट रहे हो तो एग्जैक्टली वो बट के बट रहा है, मतलब आपने 26 दे दिया बी को और जितना रहेगा पूरा दे दिया सी को, तो वो केवल टच करेगा। अगर हम यहां पर 76 या 74 में 0.01 भी बढ़ा दें, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इन दोनों में अगर हम किसी भी एक न्यूमेरिक फिगर में 0.01 बना करके 100 से 0.01 ऊपर कर दें तो ये वाला कर जाएगा, और ओवरलैप कर जाएगा तो ये वाला सही हो जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी ये 100 पे ही पट रहा है, 100 के ऊपर नहीं जा रहा है, और 100 के ऊपर नहीं जा रहा है ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये वाला नहीं दिया जाएगा। तो ये एक था स्टेटमेंट को बांटना। अब एक एग्जांपल लेते हैं कंक्लूजन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए उसको भी समझ लीजिए। इसमें भी एक बड़ी समस्या आती है, जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट है 24% ए आर बी, ये स्टेटमेंट है, और कंक्लूजन है 24% बी आर ए। इसमें जबरदस्त तरीके से कंफ्यूजन है, और अगर फंडा नहीं मालूम है तो इसको ट्रू माना जाता है, 24% बी आर ए को ट्रू माना जाता है।
हालांकि अब इसको समझा जाए तो ये ऐसा नहीं। जब आप डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम बनाने में आप एक अनुमान के आधार पर डायग्राम को क्रिएट करते हैं। केवल इतना लिखा है 24% ए बी है, ए का 24% बी है, बी कितना है इसकी जानकारी नहीं। तो आप ए को 100 मानते हैं, ए को 100 मानते हैं और ए का 24% आप देते हैं बी को, ऐसे ए का 24 बी है, ध्यान रखिएगा। बी का कितना ए में आ रहा है 24। कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, कंक्लूजन हमेशा 100% प्योर होता है, 100% राइट होता है। तो अगर वो कह रहे हैं कि बी का भी 24% ए है तो ये कंक्लूजन एग्जैक्टली नहीं है। संभावना बना सकते हो आप, एग्जैक्टली नहीं है क्योंकि बी को कितना मान के आप चल रहे हो ये तो आपके पास है नहीं। आपने ए को 100 माना था डायग्राम बनाने के लिए, एक 100 मानकर 24% दे दिया था बी को, बी का 24% ए है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता और ये आंसर पे नहीं लिया जाएगा। तो एक एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बी का भी 24% ए है, ऐसा नहीं है। बी का कितने परसेंट ए में जा रहा है ये कंक्लूजन में नहीं निकाल सकते आप। अब इसमें भी कितना बी को लिया जाए उसका कितना परसेंट ए में जा रहा है ये सब अनुमान पे चलेगा, कैन नॉट से ये आप कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी में जनरेट कर सकते हैं। तो ये आपका परसेंटाइल को करने का एक छोटा सा मेथड था। परसेंटाइल की वैरायटी बहुत सारी है, अगले कुछ वीडियोस में परसेंटाइल पे पूछे हुए क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि उसमें डिफरेंट तरह के कंक्लूजन को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, अगले वीडियो में फिर कोई ऐसा डिफरेंट पॉइंट उठाएंगे जो सिलॉसफी प्रॉब्लम करता है। धन्यवाद, थैंक यू।